तो ये व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आपकी रील्स वायरल नहीं हो रही है, आप रील्स अपलोड कर थक गए हो। बहुत से भाई ये कहते हैं कि भाई रील अपलोड करते रहो आपकी रील्स 110% वायरल होगी। भाई हो आपको रील्स अपलोड एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यार रील अपलोड करते करते हम यहाँ से थक जाते हैं, भाई हमारी रील्स तो वायरल नहीं हो रही। फिर हम क्या करते हैं यार, चमड़े में आ जाते हैं, भाई हम रील्स भी डाल रहे हैं और यार हमारी एक भी रील्स वायरल नहीं हो रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक सेटिंग बताने वाला हूँ, यदि आप इसको फॉलो कर ले तो ना डेफिनेटली आपको यहाँ से सिर्फ एक दिन में एक ही रील डालोगे तो वो भी यहाँ से 110% वायरल होगी। कुछ यहाँ से दो ऐसे बेसिक स्टेप हैं, इसको आप फॉलो कर लेना, बट आपको खुद से देख लेना कि मेरी रील्स 100% वायरल होगी। आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना होगा, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों आपको यहाँ से वीडियो को एंड तक भी जरूर देख लेना है, यदि आप एंड तक नहीं देखोगे बीच में स्किप किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो आपको मैं स्टेप बताने वाला हूँ शायद आपको ये भी समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर से वॉच कर लेना। तो कर स्टार्ट, जानते हो स्टेप एंड मेथड क्या है जिससे आप अपनी रील्स को इजिली वायरल कर सकते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपकी रील्स वायरल करने के लिए सबसे ज़्यादा आपके अकाउंट में इंपॉर्टेंट होता है ऑडियंस रिटेंशन, यानी कि आप जब आपके अकाउंट में ऑडियंस रिटेंशन डाउन चल रहा है तो आपकी रील्स वायरल नहीं होने की, चाहिए आप एक दिन में 10 भी रील डाल लें, क्योंकि आपका ऑडियंस रिटेंशन ही खराब है। तो यहाँ से आपका रील्स वायरल कैसे होगी, इंस्टाग्राम पर सबसे पहले आए आपको ऑडियंस रिटेंशन यहाँ से हाई करना होगा, जिससे यदि आप एक रील्स भी डालो तो वो भी 110% वायरल हो जाए, वो भी यहाँ से लाखों तक तो जाएगी। आपको क्या करना है, ऑडियंस रिटेंशन कैसे डाउन होना है तो उसको अप कैसे करना है तो वो आपको बताऊँ। आपको क्या करना है, सिंपल यहां से अपनी स्टोरी में, यानी कि आप रील्स भी नहीं डाल रहे हो तो स्टोरी में आपको क्या करना है, यहां से एक दिन में कम से कम 3 स्टोरी डालनी है। इससे क्या होगा कि यहां से आपके अकाउंट में ऑडियंस रिटेंशन यहां से हाई होगा और यहां से आपकी जो भी पब्लिक होगी वो ऑडियंस होगी वो आपके अकाउंट में यहां से चेकआउट करेगी, क्योंकि कभी कभी आता है कि हमारी रील्स पर तो एक बार को ऑडियंस ना आए पर स्टोरी पर तो यहां से आ ही जाती है। यदि आप ऑडियंस यहां से अपनी स्टोरी पर ला रहे हो तो यहां से दहेज से बात है यार, कल लगभग यहां से आपकी 80% में से यार 50% तो आपकी लोगों के यहां से इंस्टाग्राम की जो आपकी प्रोफाइल होगी वो तो विजिट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऑडियंस को जितना यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उसने ही यहाँ से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेना है, आस्क के क्वेश्चन करके यहाँ से येस नो या कुछ भी यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि अपने ऑडियंस को जितने यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने ऑडियंस के साथ और यहाँ से कम्युनिकेशन यहाँ से करोगे तो यहाँ से आपका डेफिनेटली आपका ऑडियंस रिटेंशन एकदम से हाई चला जाएगा। अब ये तो हो जाते हैं यहाँ से आपका ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ाना है, अब दो स्टेप क्या होने वाले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है आप क्या करना है यहाँ से ट्रेंडिंग हैशटैग यहाँ से यूज़ करना है। आप क्या करते हो कि यहाँ से आपको ट्रेंडिंग हैशटैग आपको पता ही नहीं कहाँ से यूज़ करना है, आप क्या करते हो बस ऐसे ही यहाँ से अभी ये रील्स अपलोड कर लियो यहाँ से आपको हैशटैग ही डालना है, भाई आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हैशटैग को यहाँ से इन्हेंस करना है, क्योंकि आपकी जो रील्स वायरल करेगा 80% आपकी रील्स हैशटैग ही करते हैं, क्योंकि वही आपको यहाँ से नीच बताते हैं कि कौन सी ऑडियंस के पास आपकी रील्स जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको यदि आपको ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ से आपको सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको हैशटैग जो भी आपकी कैटेगरी होती है आपकी नीच होती है उसके हिसाब से यहाँ से आपको सर्च कर देना और आपको देख लेना है कौन सा रैंक यहाँ से सबसे हाई हो रहा है, वही यहाँ से अपने अकाउंट में रील्स अपलोड करते समय आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, हैशटैग। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है, जब भी यहाँ से अपनी रील्स को अपलोड करते हो तो यहाँ से आपको ऐड टॉपिक ये फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों ये ऐड फीचर भी यहाँ से आपकी रील्स वायरल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप क्या करते हो यहाँ से रील्स अपलोड तो कर देते हो पर ऐड टॉपिक नहीं लगाते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको 3 ऐड टॉपिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, आप कोई सी कैटेगरी के यहाँ से जो आपकी नीच है वो यहाँ से यूज कर सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हुआ, चाहे यहाँ से जिम रिलेटिव है या ब्यूटी प्रोडक्ट हुआ या फूड व्लॉगर, कुछ भी यहाँ से आप जो भी आपकी कैटेगरी है ऐ मिनिमम यहाँ से आप 3 यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आप जब भी 3 ऐड टॉपिक यहाँ से सेलेक्ट करोगे और हैशटैग ट्रेंडिंग हैशटैग डालोगे तो यहाँ से आपकी रील्स 110% वायरल होगी, क्योंकि यहाँ से आप एक रील्स भी डालोगे ना पूरे दिन में सही टाइम पर तो यहाँ से आपकी रील्स यहाँ से हमसे बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से ऑडियंस रिटेंशन भी आपका हाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, और जो भी आपका यहाँ से क्वेश्चन होता है भाई हमारी रील्स वायरल नहीं हो रही है, तो ये मैंने आपको 2 स्टेप बता दिया, ऑडियंस रिटेंशन कैसे आपको डाउन से अप कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यदि आपको वीडियो सुन ली और हेल्पफुल जरा सी भी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं किसी और टॉपिक्स एंड टिप्स के साथ, टेक केयर एंड बाय।